हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोगोनल ट्रायक्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रायक्ट्री क्या होती है और किसी भी गिवन फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रायक्ट्री कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये बताए कि ऑर्थोगोनल ट्रायक्ट्री होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ द कर्व कट्स every member of given family at 90 degree is known as orthogonal trajectory अब देखिए जरा, अगर कोई हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व को कोई कर्व अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो वो हमारे पास फैमिली एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, अगर एक्स बराबर ए कोई इज द फैमिली ऑफ लाइन है और जिसको चेंज करते हैं वो पैरामीटर कहलाता है। जैसे ए की वैल्यू चेंज करते चले जाए, एक्स इज इक्वल टू वन लाइन ये हुई, टू लाइन ये हुई, थ्री ये हुई, माइनस वन ये हुई, ये ओरिजिन है, ये एक्स है, और माइनस टू ये हुई, एंड वाई बराबर बी इज द अनदर लाइन। ये कोई एक दूसरी लाइन वाई बराबर बी है, ये फैमिली ऑफ लाइन है। वाई बराबर वन, वाई बराबर टू, वाई बराबर थ्री, वाई बराबर माइनस वन, वाई बराबर माइनस टू। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो ये अगर फैमिली दी हुई थी तो ये जो दूसरी फैमिली जो उसको 90 डिग्री पे काट रही है तो ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी होगी। अब बच्चों, ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट में, कार्टिजन मतलब एक्स और वाई में है। ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी निकालने के लिए करते क्या है, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं ताकि आप क्वेश्चंस कर पाए। सबसे पहले वर्किंग रूल टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी ऑफ द गिवन कर्व। दो तीन बातें हैं, उसको अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत आसानी से किसी भी कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी निकाल सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व की। सबसे पहली बात तो ये है, इफ एफएक्स वाई, पहला पॉइंट, इफ एफएक्स वाई अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो इज गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ये एक फैमिली ऑफ कर्व है। अच्छा, फैमिली ऑफ कर्व क्यों कह रहे हैं बच्चों? फैमिली ऑफ कर्व इसलिए कह रहे हैं वेयर अल्फा इज पैरामीटर। इसका मतलब ये है, पैरामीटर एक आर्बिट्रेरी, अल्फा इज पैरामीटर, पैरामीटर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसको चेंज करने पे उसी फैमिली के कई कर्व मिलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, आप अल्फा को लगातार चेंज करते चले जाओ तो सब सर्किल मिलेगी, एक ही फैमिली के कई कर्व मिलेंगे। और ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी के लिए हम लोग करते क्या है, और ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी के लिए हम पैरामीटर का रिस्पेक्ट, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई
अल्फा इज इक्वल टू जीरो, जो इक्वेशन गिवन होती है फैमिली की उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तीसरा पॉइंट, एलिमिनेट पैरामीटर, पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। पैरामीटर जो भी दिया हो, अल्फा है, ए है, दिया होगा, तो उस पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। एक्स वाई वैल्यूज को छोड़ के जो कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्ररी जो चेंज हो सके, वो पैरामीटर होंगे, एलिमिनेट पैरामीटर। उसके बाद हम लोग करते क्या है, आपको पता है कि दो कर्व एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल होते हैं, तो दोनों की स्लोप m1 m2 का प्रोडक्ट माइनस वन होता है। m1 m2 माइनस वन होता है, तो m2 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन m1, तो dy by dx के प्लेस पे हम लोग माइनस dx by dy रिप्लेस करते हैं। फॉर OT ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी वी रिप्लेस, हम लोग करेंगे क्या, dy by dx इन माइनस dx by dy, माइनस dx by dy, हम लोग dy by dx के प्लेस पे माइनस dx by dy रिप्लेस करें, या dx by dy अगर कभी निकालें तो माइनस dy by dx रिप्लेस करें, एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो इक्वेशन आएगी, एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट required orthogonal trajectory. We get required orthogonal trajectory. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात है, उसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट की भी बात होती है। जल्दी से सुन ले, क्वेश्चन आते जरूर है। सबसे पहले बच्चों, ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी के लिए एक कर्व की क्वेश्चन होगी, जिस पर एक्स होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, वाई होगा, एक पैरामीटर होगा। पैरामीटर वो कांस्टेंट होता है जिसको चेंज करने पे एक ही फैमिली के कई कर्व मिलते हैं। अब ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी निकालने के लिए उससे dy by dx निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, मतलब पैरामीटर की वैल्यू आप रख लो, या पैरामीटर ऐसे ही एलिमिनेट हो जाए डिफरेंशिएट करने पर, तो और अच्छी बात है। फिर dy by dx की जगह माइनस dx by dy रिप्लेस इसलिए करेंगे क्योंकि m1 m2 माइनस वन होता है, दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो m1 m2 का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, तो dy by dx की जगह माइनस dx by dy रिप्लेस करेंगे, नई इक्वेशन x और y में आ जाएगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, जो नई इक्वेशन आएगी वही उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी होगी उस फैमिली ऑफ कर्व की। दूसरी बात, आप चेक करना चाहें तो दोनों के स्लोप निकालें, m1 निकालें पहले वाले फैमिली ऑफ कर्व से, दूसरे से m2, और m1 और m2 का प्रोडक्ट माइनस वन आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे पे, दोनों फैमिली एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर दें। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनकी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी एग्जाम में आती है और उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। जरा कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जिनकी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सॉल्व करनी है। ये हमारे पास बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी निकालनी है, ये फैमिलीज ऑफ कर्व दी गई है और इनकी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी मतलब एक ऐसी फैमिली पता करनी जो इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे हर कर्व एक दूसरे को। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि पैरामीटर कैसे पता चलेगा, ये एक्स और वाई को छोड़ के जो अननोन है वो पैरामीटर है, एक्स वाई को छोड़ के मतलब यहाँ ए पैरामीटर है, ए को चेंज करने पे सी फैमिली के कई कर्व मिलेंगे, यहाँ ए पैरामीटर, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, तो दीज आर पैरामीटर्स। पैरामीटर वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं जिनको चेंज करने पे एक ही फैमिली के कई कर्व मिलते हैं। तो सबसे पहले जरा हम पहला क्वेश्चन करते हैं और ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इसको भी इसमें जरा हम इंक्लूड करेंगे, क्या क्या करते हैं। पाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है पहला क्वेश्चन। हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा था एफ एक्स वाई अल्फा, अल्फा पैरामीटर था, यहाँ एक्स वाई और ए पैरामीटर है, हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। पहली चीज इसको हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर वन दे दिया और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट पर किया, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब पहले वाली फैमिली का स्लोप निकाल रहा है, ए एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। ठीक, अब इन दोनों की मदद से ए को एलिमिनेट करिए, ए को गैप करिए, पैरामीटर को गैप करिए। अब ए कैसे गैप हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट पहले वाले से अगर आप देखें तो ए इज इक्वल टू कितना आया, वाई अपॉन एक्स क्यूब, पहले वाले से पुटिंग इन, चाहे पहले से इस पर रख लीजिए चाहे यहां से निकाल के उसमें रखिए, पहले से इसमें रखना ज्यादा आसान होगा, पुटिंग
ए इन सेकेंड, ए को जरा सेकेंड में रखो। डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ए की जगह वाई अपॉन एक्स क्यूब, तो ये रहा y अपॉन एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे कितना आया, 3y अपॉन x आ गया, 3y अपॉन x आ गया। कहने का मतलब a एलिमिनेट भी हो गया, dy by dx जो आ गया वो 3y अपॉन x आ गया। अब OT के लिए क्या करें, इसको एक क्वेश्चन नंबर थर्ड देते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल के लिए we replace dy by dx in minus dx by dy, क्योंकि m1 m2 minus 1 होगा। अब हम क्या करें, we replace, हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, dy by dx को रिप्लेस किया इन माइनस dx by dy, dy by dx को माइनस dx by dy पर रिप्लेस किया, तो dy by dx की जगह हमने माइनस dx by dy रखा इज इक्वल्स टू 3y अपॉन x हो गया। तो dy by dx के प्लेस पे OT के लिए माइनस dx by dy रिप्लेस किया। अब इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर लें, तो अब ये चीजें आप याद रखेंगे कि किस हिसाब से करना है। सबसे पहले एक कर्व होगा, उस पर एक्स वाई होगा, एक पैरामीटर होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, पैरामीटर एलिमिनेट करिए, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स वाई डी वाई रखिए। अब फर्दर इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करके कॉन्स्टेंट बनाइए, जो आएगा वही हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रायंगल होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको इधर ले आए तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई डी वाई टू मिला, इसको इंटीग्रेट किए, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर है। अब देखिए कांस्टेंट के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है, कांस्टेंट अगर अच्छा लगाता है तो थोड़ा रिजल्ट एक स्टैंडर्ड कर जाता है, ये इधर भी लगा सकते हैं। आप एक काम करो, यहाँ पे कांस्टेंट आप c लगाओगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कांस्टेंट एक c बाई टू लगा दो और अच्छा है, या c स्क्वायर बाई टू लगा दो और अच्छा है। ये जो पैरामीटर है इसको अब ये नहीं लिखना, दूसरा पैरामीटर लिखना, स्क्वायर स्क्वायर चल रहा था इसलिए कांस्टेंट सी स्क्वायर बाई टू लगा दिया, सी लगा देते बी लगा देते सब ठीक है। टू टू लगाने से फायदा ये हुआ कि टू टू कैंसिल आउट हो गया और ये इधर आके थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, सी स्क्वायर, वेयर सी इज पैरामीटर, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, ये हमारी रिक्वायर्ड ओटी है, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। कहने मतलब अगर इसका स्लोप निकालें और इसका स्लोप निकालें दोनों का प्रोडक्ट करें तो माइनस वन आएगा। कहने मतलब दोनों कर्व के बीच का जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कराएं दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन। तो कुछ नहीं किया, डीवाई डी एक्स निकाले, डीवाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स पर डी वाई रखा, पैरामीटर एलिमिनेट किया और उसके बाद इंटीग्रेट कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल की मदद से कांस्टेंट लगा लिया। कांस्टेंट थोड़ा अगर प्रॉपर लगाते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, अदरवाइज सही। एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स वाई इज इक्वल टू जब ए स्क्वायर हमारे पास है इसको हमने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। अब बताओ इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का वन और ए स्क्वायर का जीरो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का वन ए स्क्वायर का जीरो। अब यहाँ पे क्या आया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना है, माइनस का वाई आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स आ गया। पैरामीटर ए था, पैरामीटर ऑलरेडी गायब हो गया, पैरामीटर गायब करने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन उसका जीरो हो गया, तो पैरामीटर एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं बिकॉज पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। फॉर ओटी, ओटी के लिए हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को किस में रिप्लेस करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को इन माइनस डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखें। यहां पर कितना आया, माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू कितना, दैट इज माइनस वाई अपॉन एक्स, इतना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू जो हमारे पास आया दैट इज वाई अपॉन एक्स, इसको इधर लें, एक्स डी वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, ये हो गया, इस पर इंटीग्रेट हमने कर लिया, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू और एक कॉन्स्टेंट चाहे तो सी स्क्वायर बाई टू जोड़ दें,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा। 2 हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर स्टैंडर्ड कर्व हो गया। तो दिस इज सी पैरामीटर है, दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, दिस इज रिक्वायर्ड ओटी। तो बच्चों कुछ नहीं किया, बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले हमने क्या किया, डी वाई डी एक्स निकाला, पैरामीटर एलिमिनेट किया, डी वाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स पर डी वाई रखा, वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेट कर लिया और एक कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन जरा देखिए, तीसरा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा जरा देखिए क्या है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट की ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे हमारे पास है थर्ड पार्ट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बच्चों देख पा रहे हो कि एक्स और वाई वेरिएबल है और ए पैरामीटर है, ठीक है ना, ए इज द पैरामीटर। अब इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको इक्वेशन नंबर वन देते हैं। इसको हमने डिफरेंशिएट किया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आया टू इंटू एक्स माइनस वन, वाई स्क्वायर का टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे टू ए और एक्स का वन इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया टू टाइम एक्स माइनस वन एक्स का वन, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू है एक्स का वन, टू टू कॉमन लेके हटा लिया, एक्स माइनस वन प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पे कितना आया, एक्स माइनस वन प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस का इतना। इसको सेकेंड कर लें। अब ये a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर लिया, माइनस के साथ हो जाएगा, a इज इक्वल टू आया माइनस एक्स माइनस वन माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस इधर गया। अब इस a की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट करें, पुटिंग a इन फर्स्ट, पुटिंग a इन फर्स्ट, a की वैल्यू को जरा हमने फर्स्ट में पुट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन को पैरामीटर को एलिमिनेट कर रहे हैं, a को फर्स्ट में पुट किया। यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर तो ये रहा, प्लस y स्क्वायर तो ये रहा, प्लस टू a की जगह माइनस एक्स माइनस वन माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये रहा a की वैल्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, माइनस एक्स माइनस वन माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कितना आया, x माइनस वन का होल स्क्वायर ये रहा प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन ये रहा, माइनस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस टू माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स वाई, एक्स भी इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, हमारे पास ये इतना रहा। कहने का मतलब क्या रहा, ये इतना रहा माइनस टू, इतना माइनस टू एक्स अंदर मल्टीप्लाई टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे थोड़ा सा चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस का टू एक्स और माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, हमारे पास इतना रहा। यहाँ पे आप लोग एक काम और कर सकते हो, इन द प्लेस ऑफ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर सेपरेट किया, माइनस एक्स स्क्वायर आया और टू एक्स से टू एक्स कैंसिल आउट हुआ और प्लस का वन ये बचा, प्लस का वन ये बचा, प्लस का वाई स्क्वायर ये बचा, माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, बच्चों ये आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस का वन। अब फॉर ओटी, ओटी के लिए क्या करें, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स, रिप्लेस कर रहे हैं किसको, रिप्लेस कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स को, रिप्लेस कर रहे हैं इन माइनस डी एक्स बाई डी वाई में, रिप्लेस कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इन द प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वी रिप्लेस माइनस डी एक्स बाई डी वाई, इतना रिप्लेस कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे, इतना रिप्लेस कर रहे हैं।
अब यहाँ जहां जहां dy by dx है वहां वहां माइनस dx by dy के प्लेस पे हम माइनस dx by dy यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखा इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर तो ये रहा और इंटू डी वाई इधर ले आए और ये प्लस का टू एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ ये इतना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टू एक्स वाई इतने के साथ डी वाई प्लस टू एक्स वाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है इसको पहले लिख लेते हैं जरा टू एक्स वाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको जरा देखें दिस इज इन द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म का है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो के फॉर्म का हो तो एम पता करें एम टू एक्स वाई आ गया और एन पता करें डी एक्स के साथ वाला एम डी वाई के साथ वाला एन। एन हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर दिस इज एन। अब हमने क्या किया डेल एम बाई डेल वाई निकाला। डेल एम बाई डेल वाई जब निकालेंगे तो इस एम को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जैक्ट होती क्या जब डेल एम बाई डेल वाई डेल एम बाई डेल एक्स के बराबर डेल एम बाई डेल वाई निकला तो डेल एम बाई डेल वाई टू एक्स आया ठीक डेल एम बाई डेल वाई टू एक्स है और डेल एन बाई डेल एक्स निकाला डेल एन बाई डेल एक्स जो निकाला वो माइनस टू एक्स है। एग्जैक्ट तब होती है जब डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर नहीं। अब हम लोग करते क्या है अब इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के लिए इस इक्वेशन को जरा थॉट दे दें। एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कई प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस ये होता है कि 1 अपॉन m एक तो ये होता है 1 अपॉन n डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x फंक्शन ऑफ x होता है और 1 अपॉन m डेल m बाई डेल y 1 अपॉन m डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं और ये फंक्शन ऑफ वाई अगर आता है और इसी तरह वन अपॉन एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स निकालते हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एफ एक्स जी एक्स होता है। ये अगर फंक्शन ऑफ वाई या कॉन्स्टेंट आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एग्जैक्ट हो जाती है तो वन अपॉन एन एम की जगह टू एक्स वाई रहा डेल एन बाई डेल एक्स रखा माइनस टू एक्स डेल एम बाई डेल वाई रखा डेल एम बाई डेल वाई हमारे पास माइनस टू एक्स हो गया दैट इज माइनस फोर एक्स अपॉन टू एक्स वाई हमारे पास ये रहा ये कितना आया माइनस टू अपॉन वाई ये इतना आया। अब फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए एफ वाई आना चाहिए तो फंक्शन ऑफ वाई आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा हमारे पास वो e to the power integral f y dy ये integrating factor this is e to the power integral minus 2 upon y dy। अब अगर ये ना होता f y ना आता या constant ना आता तो 1 upon n del m by del y minus del n by del x निकालते वो function of x या constant होना चाहिए तब integrating factor e to the power integral f x dx हो जाता है। अब यहाँ पे ये इतनी बात आ गई। अब यहाँ पे जरा देखिए आप लोग रहा क्या यहाँ पे जो आया और ध्यान देंगे यहाँ पे जो आया e to the power i f is equals to e to the power minus 2 1 upon y dy log y का e to the power log इसको y की power minus 2 लिख सकते हैं log m to the power n n log m होता है e to the power log x x होता है y की power minus 2 1 upon y square। अब इस इक्वेशन को अगर 1 अपॉन y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये एग्जैक्ट हो गई बिल्कुल समझ सी बात है। मल्टीप्लाइंग थर्ड बाई 1 अपॉन y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर कितना आया 2xy अपॉन y स्क्वायर dx तो ये रहा और प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस y square upon y square into dy equals to
जीरो एटा। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे बच्चा टू एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रल एम डी एक्स करते हैं, एम को इंटीग्रेट करते हैं कीपिंग वाई कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट रखते हैं जेड सॉल्व करने के लिए, dx वाले को इंटीग्रेट करते हैं वाई को कांस्टेंट रखते हैं प्लस इंटीग्रल, इसमें उन टर्म का करते हैं इंटीग्रल दोस टर्म उन टर्म का करेंगे विच डू नॉट कंटेन x, उन टर्म का करेंगे जो x कंटेन ना करें, विच डू नॉट कंटेन x उन टर्म का करेंगे जो x कंटेन ना करें। यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई तो ये रहा, और प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई तो ये रहा, और प्लस वन इंटू डी वाई ये रहा, इतना इज इक्वल्स टू सिक्स। अब इसका कर रहा तो वाई कांस्टेंट तो टू अपॉन वाई तो बाहर आ गया, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया। अब यहाँ पे क्या रहा उन टर्म का करना है जिसमें एक्स ना हो, तो इसमें एक्स है इसको नहीं करेंगे, और उस टर्म को छोड़ देंगे जिसमें x होगा, तो इसमें x कंटेन कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे। इसका करेंगे y की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो y की पावर माइनस वन ऊपर माइनस वन आ जाएगा, वन डिवाइड वाई इज इक्वल टू सी, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो मेरे पास आया वो कुछ इस तरह का आया एक्सप्रेशन, जो मेरे पास आया कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी, वाई एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज पैरामीटर, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी है, ये ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी है इस कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी दिया। तो बच्चों कुछ नहीं करना, एक कर्व का इक्वेशन दिया होगा और उसमें हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, एक्स के फॉर्म होगा, पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, ओटी के लिए डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के जितने मेथड जानते हैं, और उसके बाद एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे यहाँ पे, और यही हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी होगी, मतलब दोनों फैमिली एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक जरा अगला फोर्थ पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट जरा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए पैरामीटर है बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दें, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स आएगा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और ए स्क्वायर का करेंगे तो चूंकि कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो आ जाएगा, टू टू हट जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये रहा, यहाँ पर रहा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x ये रहा, कॉन्स्टेंट हट चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया, इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया और कॉन्स्टेंट पैरामीटर एलिमिनेट हो चुका है। अब हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसिंग फॉर ओ टी, रिप्लेस कर रहे हैं ओ टी के लिए, रिप्लेस कर रहे हैं किसको, रिप्लेस कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स को, रिप्लेस कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स को, रिप्लेस कर रहे हैं इन माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ओ टी के लिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई रिप्लेस कर रहे हैं। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन, माइनस माइनस हटा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई हमारे पास ये था, इसको हमने बोथ साइड इंटीग्रेट किया, दिस इज लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई तो हमारे पास ये रहा, और एक कांस्टेंट हमने लॉग सी जोड़ लिया, लॉग लॉग चल रहा तो लॉग सी जोड़ ले। अब यहाँ पे कितना आया लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एन प्लस लॉग एन, लॉग एम एन हो गया, लॉग सी वाई आ गया, एक्स इज इक्वल टू सी वाई, दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी आ गई। अगर इसको सर्किल है और यहाँ पे इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाला जाए तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन आएगा। तो काफ़ी सिंपल सवाल था, डी वाई बाई डी एक्स में पैरामीटर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो चुका है,
डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखा, उसको फर्दर इंटीग्रेट किया, एक्स इज इक्वल टू सी वाई आ चुका है, ये रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी है। तेरा हमको 50th क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी बनाना है, 3xy is equals to x cube minus a cube का निकालना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, x into y का dy by dx रहा प्लस y into x का हमारे पास 1 आ गया, और x cube का जब करेंगे तो 3x square आ जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, x dy by dx plus y is equals to हमारे पास x square आ गया। पैरामीटर ऑलरेडी इलिमिनेट हो चुका है, फॉर ओटी, ओटी के लिए हमने रिप्लेस किया, फॉर ओटी रिप्लेस हमने रिप्लेस किया, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया इन माइनस डी एक्स बाई डी वाई को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे जहां पे डी वाई बाई डी एक्स उसकी जगह हमने माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखा, और प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास दो तरीके है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस तरह की होती है, पहले तो इसको हम माइनस एक्स से जरा डिवाइड कर ले रहे हैं, डी एक्स बाई डी वाई माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक तो ये होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू एक्स के फंक्शन होते हैं, पी और क्यू एक्स के फंक्शन या कॉन्स्टेंट होते हैं, वाई की बार एक होती है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता है। दूसरी ये होती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे पी और क्यू वाई के फंक्शन होते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पार पी डी वाई होता है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पार पी डी एक्स होता है। अब हमने एक काम किया, डी एक्स बाई डी वाई जब निकाला तो पी एक्स होना चाहिए, तो एक्स की पार एक होनी चाहिए, यहाँ पे हम ले आए इसको डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू y y x हमारे पास ये रहा dx by dy प्लस इतना p और q y के फंक्शन होने चाहिए। एक काम हमने और किया, यहाँ पे इस x से इधर मल्टीप्लाई किया, x square into dx by dy हमारे पास ये रहा, और प्लस x into dx by dy प्लस x square is equals to y हमारे पास इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, लेट x square को हमने b ले लिया, इसको b लेने के बाद इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे आया 2x into dx by dy ये रहा, is equals to dv by dy रहा, यहाँ पे हमारे पास x dx by dy की वैल्यू जो आ गई, this is 1 by 2 into dv by dy ये आ गई, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने x dx by dy की वैल्यू पुट की 1 by 2 dv by dy और प्लस x स्क्वायर की जगह v is equals to y। dv by dy is equals to इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 2v is equals to 2v is equals to 2y हमारे पास ये रहा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास रहा e to the power integral 2dy रहा, that is e to the power 2y रहा। सॉल्यूशन जो हमारे पास रहा, सॉल्यूशन इज v into if is equals to integral q into if dy plus c, ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे v की वैल्यू अगर आप लोग देखो तो v की वैल्यू हमने जो मानी थी वो x square है, if हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power 2y है, इंटीग्रल q, q 2y है, q 2y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास है this is e to the power 2y, 2y into dy और प्लस का c, तो ये रहा। यहाँ पे कितना रहा, x square into e to the power 2y, 2 बाहर रहा, यहाँ पे integration by part लगा है, first integration of second e to the power 2y का e to the power 2y by 2, minus integral d by dy of y का 1, e to the power 2y का integration e to the power 2y by 2 into dy plus a constant हमने c लगा। यहाँ पे x square into e to the power 2y हमारे पास ये रहा, this is 2, in bracket y e to the power 2y by 2 ये रहा, करेंगे तो 8 दी पार 2y by 2, तो 2 ऑलरेडी है by 4 plus constant हमारे पास ये आ गया। अब हमने एक काम किया, 8 दी पार 2y दोनों में कॉमन ले लिया, x square is equals to 8 दी पार 2y कॉमन ले लिया, 2 अंदर ले गए, तो यहाँ पे आया 8 दी पार 2y, तो ये रहा 2 अंदर ले है, y आ गया minus 8 दी पार 2y कॉमन ले लिया तो 1 by 2 आ गया, प्लस का कॉन्स्टेंट हमारे पास ये इतना आ गया।
या पे एक्स स्क्वायर इंटू इट दी पार टू वाई है। अब हमने इट दी पार टू वाई से पूरे में डिवाइड किया, इट दी पार टू वाई से जब हमने पूरे में डिवाइड किया तो यहाँ पे ये आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई टू प्लस सी इंटू इट दी पार माइनस टू वाई हमारे पास ये है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे टू चाहे तो एलसीएम ले ले तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू इट दी पार टू सी इंटू इट दी पार माइनस टू वाई। दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैक्ट्री, यही हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैक्ट्री है जहाँ पे सी क्या है, सी इज द पैरामीटर। ठीक है, तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात थी। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, पैरामीटर एलिमिनेट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, एक्सोटेबल कॉन्स्टेंट लगाते हैं, जो आती है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैक्ट्री कहलाती है, वो पिछली फैमिली को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसे ऑर्थोगोनल ट्रैक्ट्री कहते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे। अब हम लोग जरा ऑर्थोगोनल ट्रैक्ट्री इन पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में कर्व का इक्वेशन होता है जिसमें आर थीटा और एक पैरामीटर स्मॉल ए होता है। तो अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई और पैरामीटर था, पोलर कोऑर्डिनेट पे आर थीटा और एक पैरामीटर होगा, आर और थीटा को छोड़ के जो भी अननोन होगा वो आपका पैरामीटर कहलाएगा। अब पोलर कोऑर्डिनेट के पैरामीटर ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी निकालने के लिए सबसे पहले dr बाई डी थीटा निकालते हैं और dr बाई डी थीटा के प्लेस पे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर रिप्लेस करते हैं। फर्दर उसको इंटीग्रेट करने के बाद एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं जो कि नया पैरामीटर होता है दूसरे फैमिली के लिए, वही उसकी रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी कहलाती है। तो कार्टिजन में एक्स वाई और पैरामीटर था, अभी पोलर में आर थीटा और पैरामीटर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये सारे ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी पोलर कोऑर्डिनेट के अक्सर आते भी हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल से कॉन्सेप्ट अपना लो, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर थोड़ा डिफर भी कर सकते हैं बिकॉज डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टेंट किधर और कितना जोड़ रहे हैं, तो उसकी खैर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आर की पार एन साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए की पार एन है। अब एक बात यह है कि आप इसमें एक काम करो, अगर लॉग लेके इन सवालों को करते हो आर और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो तो टर्म काफी आसान हो जाते हैं, पैरामीटर के डेरिवेटिव अक्सर जीरो हो जाते हैं। अब यहाँ पे जरा आप लॉग ले लो, तो लॉग आर की पार एन इंटू साइन एन थीटा, सारे क्वेश्चंस के ट्रैक भी यही है, लॉग ए टू दी पार एन। अच्छा, लॉग लेने से थोड़ा फायदा होता है, डिफ्रेंशिएट करना भी आसान हो जाता है, अलग अलग टर्म हो जाते हैं लॉग एम इंटू एन के फॉर्मुले से। यहाँ पे लॉग एम इंटू एन जब हमने अप्लाई किया तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, और यहाँ पे कर रहे हैं तो log m की पार n n log m हो गया, तो n log m a हो, log m to the power n n log m होता है तो n log r हो गया, log sin n theta हो गया is equals to n log a हो गया। अब इसको हमने क्या किया, differentiating with respect to theta, इसको हमने theta के respect में differentiate किया, और यहाँ पे आया कितना n log r का 1 upon r, r का किया तो dr by d theta आ गया, log sin n theta n log r का 1 by r रहा, और यहाँ पे एक बात ये रही कि r का थीटा के रिस्पेक्ट में dr by d थीटा, log x का 1 upon x 1 upon sin n थीटा, sin n थीटा के करेंगे तो cos n थीटा और n थीटा के करेंगे तो n आ जाएगा, n log h चूंकि पूरा कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव हमारा जीरो हो जाएगा, n log h कांस्टेंट, n n कॉमन लेके हटा लिया, 1 upon r dr by d थीटा हमारे पास ये रहा, प्लस यहाँ पे cos n थीटा upon sin n थीटा ये रहा, पैरामीटर आप देख पा रहे हैं कि हट चुका है, पैरामीटर ए था, यहाँ पे आ गया 1 upon r dr by d theta is equals to minus cos n theta upon sin n theta हमारे पास ये रहा, cos n theta upon sin n theta हमारे पास ये रहा। अब for OT, OT के लिए हमने replace किया, किसको replace किया, dr by d theta को replace किया, dr by d theta को replace किया in minus r square d theta by r से r कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट कर लेना है और इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट अप्लाई कर लेना है, जो आएगा वही हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी होगी। माइनस माइनस प्लस हो गया, r d थीटा बाय dr इज इक्वल टू जो आया दैट इज
cos n theta upon kitna sin n theta हमारे पास ये था। अब ये क्या रहा, sin n theta upon cos n theta into d theta, इसकी जगह r square d theta by r d theta by dr equals to cos n theta upon sin n theta है, या sin n theta upon cos n theta d theta is equals to dr by r, इसको integrate करना है। नीचे वाले को t मानेंगे तो माइनस पे आ जाएगा ऊपर वाला, हमने cos n theta को t ले लिया, cos n theta को t ले लिया तो माइनस sin n theta into n d theta is equals to dt हो गया। sin n theta d theta की जगह कितना हो गया, माइनस dt upon sin n theta d theta की जगह माइनस dt upon n into t is equals to integrate dr by r, तो ये रहा माइनस 1 upon n, ये रहा 1 upon t dt log t होता है, 1 upon r dr log r होता है, और एक कांस्टेंट हमने, अब यहाँ log log चल रहा था इसलिए कांस्टेंट log में लगा लिया, एक कांस्टेंट हमने log c लगाया। अब यहाँ पे कितना है, इसको लिख सकते हैं log t की पावर माइनस 1 by n is equals to log r into c। अब इधर log c लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, उधर log c लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। log log हटाया, यहाँ पे आया t की पावर माइनस 1 by n is equals to t की पावर माइनस 1 by n is equals to r c, 1 upon t की पावर 1 by n is equals to r c, t की पावर 1 by n is equals to, अब यहाँ पे हमने t की वैल्यू रखी, t की वैल्यू हमने कितने रखी, t की वैल्यू हमारे पास थी cos n theta, cos n theta, cos n theta की पावर 1 by n is equals to r c, दोनों तरफ पावर n ले लिया तो 1 upon cos n theta is equals to r की पावर n into c की पावर n, तो ये sec n theta हो गया, sec n theta is equals to r की पावर n into c की पावर n, या यहीं पर रिजल्ट छोड़ दीजिए, ऊपर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r की पावर n is equals to 1 upon c की पावर n into sec n theta। अब चाहो तो 1 upon c की पावर n को एक कांस्टेंट c1 दे लो, r की पावर n is equals to c1 sec n theta, ये इसके रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल डायरेक्टरी। अब वो कांस्टेंट तो इस हिसाब से आप अच्छे से अच्छा बिल्कुल अरेंज कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज इधर log c जोड़ोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, तो वो सारा रिजल्ट सही है, एक चीज़ तो ये, तो ये इसके ऑर्थोगोनल डायरेक्टरी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप log ले लो, log लेने के बाद इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, dr by d थीटा के प्लेस पे माइनस r स्क्वायर d थीटा by dr रखो, इंटीग्रेट करो, एक कांस्टेंट लगाओ, जो आएगा वही हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल डायरेक्टरी है। सेकंड क्वेश्चन इधर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज r की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n cos n थीटा, बिल्कुल सेम प्रोसेस आप ट्राई कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन जरा दिखाते हैं, सेकंड बिल्कुल एज इट इज कर लें। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है r इज इक्वल्स टू a1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर हमने log ले लिया, log r इज इक्वल्स टू log a into 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे क्या आया, log r इज इक्वल्स टू log m into n, को log लेने पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, टर्म अलग अलग हो जाते हैं, log a प्लस log 1 माइनस cos थीटा, ये हमारे पास ये था। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, log r का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 upon r dr by d theta होगा, log a का 0 होगा, log 1 minus cos theta का 1 upon 1 minus cos theta, 1 का 0, cos theta का minus sin theta, तो minus minus plus sin theta हो जाएगा। 1 upon r dr by d theta is equals to हमारे पास आया sin theta upon 1 minus cos theta, ये हमारे पास इतना है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर ओटी, ओटी के लिए आप रिप्लेस करो, रिप्लेस कर रहे हैं dr by d theta को, रिप्लेस dr by d theta, dr by d theta को रिप्लेस करो इन माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर में रिप्लेस करो, यहाँ पे आया कितना 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा के प्लेस पे हमने माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर रखा, और यहाँ पे आया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, हमारे पास ये इतना आया, आर से आर हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इधर ले तो कॉस थीटा माइनस 1 रहा अपॉन कितना रहा साइन थीटा रहा इंटू डी थीटा रहा इज इक्वल टू कितना डी आर अपॉन आर रहा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे कितना आया, इसको हम इधर ले गए तो ये कॉस थीटा माइनस 1 हो गया और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर,
कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया जिससे वन कट गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, ये रहा अपॉन साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू इंटू डी थीटा हमारे पास ये रहा इज इक्वल्स टू इधर कितना रहा, इधर रहा डी आर बाई आर, ये इतना रहा, वन से वन कैंसिल आउट हुआ, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हुआ, ये कितना आया माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस टेन थीटा बाई टू, माइनस टेन थीटा बाई टू आ गया इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना डी आर बाई आर, तो ये टेन थीटा बाई टू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी आर बाई आर। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, माइनस टेन थीटा बाई टू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी आर बाई आर हमारे पास ये है। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स का वो लॉग सेक एक्स होता है, तो टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है साइन एक्स अपन कॉस एक्स को टी माने तो वन अपॉन टी लॉग टी, तो टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं, टेन एक्स का साइन अपॉन कॉस कॉस को मानेंगे तो लॉग सेक एक्स हमारे पास आ जाता है, तो कितना है माइनस लॉग सेक थीटा बाई टू, और थीटा बाई टू के लिए टू पे आ रहा है, यहाँ पे लॉग आर आ गया, लॉग आर एक कॉन्स्टेंट लॉग सी आ गया, ठीक, लॉग आर प्लस लॉग सी आ गया, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेक थीटा बाई टू की पावर माइनस टू लॉग एन प्लस लॉग एन लॉग एन एन हो गया, लॉग आर सी हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू आर सी, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू आर सी, तो इस तरह से इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, या चाहे तो उसको कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लें, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, वो भी हो सकता है, तो ये रिजल्ट है, ये इसके ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, यहाँ पे भी लॉग लेके सिंपली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉग ले लें और फर्दर सॉल्व कर लें, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन जरा और लास्ट लेंगे, इस तरह से आप पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की ऑर्थोगोनल ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एक ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, हमें प्रूव करना है कि ये कॉनिक है, इसे कोनोफोकल कॉनिक कहते हैं, ऐसे कॉनिक जिनके फोकस सेम होते हैं उन्हें कोनोफोकल कॉनिक कहते हैं, फैमिली ऑफ कॉनिक, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू वन इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, ये हमारे पास सेल्फ ऑर्थोगोनल हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास सेल्फ ऑर्थोगोनल है। सेल्फ ऑर्थोगोनल कोई भी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी कब होती है जरा उसको सुने, अगर किसी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी की अगर किसी कोनिक का फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी निकालें वो वही है तो उसे सेल्फ ऑर्थोगोनल कहते हैं, या फिर इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी निकालें और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका जो बनाया जाए उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी अगर निकालें तो उसकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जिसको डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, अगर इसको डिफरेंशिएट करने पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी के डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है तो दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे, मतलब ये सेल्फ ऑर्थोगोनल होगा। सेल्फ ऑर्थोगोनल के लिए अगर इसके ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी निकालें तो इटसेल्फ आए तो ये आपका सेल्फ ऑर्थोगोनल होता है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करें इसकी ओटी निकालें और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जो इसका है तो इसे सेल्फ ऑर्थोगोनल कहेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू वन, इसको मैंने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लैम्डा पैरामीटर होता है क्योंकि मेजर और माइनर एक्सिस एलिप्स के ये होते हैं ए और बी, और लैम्डा यहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा ये रहा प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा ये रहा, और y का जब करेंगे y का करेंगे तो dy बाय dx आएगा, या 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा और 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा और y का dy बाय dx और 1 का 0 आए, यहां से 2 हटा लिए, x अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा हमारे पास ये रहा प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा हमारे पास ये रहा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये इतना रहा। अब यहाँ पे बच्चों इसको डिफरेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में इतना है, यहाँ पे फर्दर मैंने एलसीएम ले लिया,
a square plus lambda into b square plus lambda एलसीएम लिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया a square plus lambda, यहाँ पे है x into b square plus lambda, तो हमारे पास ये रहा x into b square plus lambda, हमारे पास ये रहा a square plus lambda कटा, और y into a square plus lambda हमारे पास ये रहा into dy by dx is equals to हमारे पास 0 ये रहा। इसको हटा लिया, सबसे पहले x into b square plus lambda, y into a square plus lambda, dy by dx is equals to 0, यहाँ पे है x into b square plus lambda, y into a square plus lambda, into dy by dx is equals to 0 हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे काम करें, पहले हमें लैम्डा निकाल के यहाँ से इसको टेल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे क्या आया, एक्स बी स्क्वायर एक्स लैम्डा ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हमने लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा जब कॉमन लिया तो यहाँ पे आया एक्स प्लस y dy by dx हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे आया माइनस बी स्क्वायर एक्स ये रहा, और माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा। इन दोनों में हमने लैम्डा कॉमन लिया तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई, लैम्डा मिला माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कितना, अपॉन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये इतना रहा, लैम्डा मिल गया। अब हमने एक काम किया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाल के फर्स्ट पर पुट करो, नाउ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, अब हमने ए स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाला, इसमें लैम्डा रखे या अलग अलग ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाल के इसमें पुट कर लें, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की जगह यहाँ पे माइनस कॉमन बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे आया माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा। ये तो वैल्यू हमारे पास रही ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की, ये ले रहे। अब यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डीवाई बाई डी एक्स ए स्क्वायर वाई डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास इतना रहा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास इतना रहा, और ए स्क्वायर वाई डीवाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर वाई डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, अपॉन एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास ये इतना रहा, ए स्क्वायर वाई डीवाई बाई डी एक्स से ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आया कितना, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एक्स कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स, तो ये रहा, ये वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की रही। नाउ अब जरा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाल लें, बी स्क्वायर प्लस जब लैम्डा निकालेंगे ये भी निकाल लें बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो बी स्क्वायर प्लस लैम्डा को इसमें जब ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस लैम्डा करेंगे तो माइनस कॉमन बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, अपॉन कितना एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा। बिल्कुल सिंपल सा है, बस थोड़ा ध्यान दे रहा है। सबसे पहले मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद एलसीएम लिया, यहाँ से लैम्डा निकाला, अब ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाल के यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे कितना आया माइनस बी स्क्वायर एक्स ये रहा माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे क्या आया बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा। यहाँ पे बच्चों बी स्क्वायर एक्स से बी स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हुआ, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हुआ, यहाँ पे आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा, अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा। ये वैल्यू जो हमारे पास रही
ये वैल्यू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की आ गई। अब ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा मिल गया, इसको हम फर्स्ट में उठा के पुट करें, दोनों चीजें मिल गई हैं। पुटिंग ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, पुटिंग ए स्क्वायर प्लस लैम्डा कॉमा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा कॉमा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इन फर्स्ट, इन दोनों को जरा फर्स्ट में पुट करें। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की जगह मैंने पुट किया एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास ये था प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की जगह मैंने पुट किया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये रहा अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास ये रहा इज इक्वल्स टू वन, हमारे पास ये इतना आया। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, एक्स इंटू x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये रहा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रहा। यहाँ पे कितना आया, ये प्लस एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हुआ, y इंटू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ये रहा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जब कॉमन लिया तो अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ये रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ये है। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमारे पास जो बचा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा में हमारे पास जो बचा है और यहाँ पे बचा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, हमारे पास ये इतना बचा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने किया क्या, फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेके इधर लिया और यहाँ से एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स पूरे में कॉमन है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पे अब ये आया कितना, जरा देखिए एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना आया x माइनस वाई अपॉन इंटू डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि ये y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है तो x ये और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर कॉमन लेके आ चुका है, थोड़ा ध्यान देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर आ गया, यह है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, x माइनस वाई डी वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स तो डी एक्स बाई डी वाई हो गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर दो दे दिया। अब फॉर ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रैक्टरी के लिए हम करें क्या, यहाँ पे रिप्लेस करें फॉर ओटी, ओटी के लिए हमने क्या किया फॉर ओटी, ओटी के लिए रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस करते हैं रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को किस पर रिप्लेस किया डी वाई बाई डी एक्स इन माइनस डी एक्स बाई डी वाई और एंड डी एक्स बाई डी वाई भी आ रहा एंड डी एक्स बाई डी वाई इन डी एक्स बाई डी वाई इन माइनस डी एक्स बाई डी वाई में रिप्लेस किया, डी एक्स बाई डी वाई इन माइनस डी वाई बाई डी एक्स में रिप्लेस किया, डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी, अभी तक क्या होता था क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स आता तो उसकी जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई रिप्लेस किया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई रिप्लेस किया और यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई की जगह क्या रिप्लेस किया माइनस डी वाई बाई डी एक्स तो प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे सेकेंड और थर्ड को अगर देखो तो ये एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी आ रहा है, ये इतना भी आ रहा है, दोनों क्वेश्चन सेम, सेकेंड एंड थर्ड आर सेम। ओटी निकालने के बाद जो पहले टर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन थी ओटी निकालने के बाद वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सेम है, तो इसलिए जो सेम है सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा जो हमारे पास ये जो मोनोफोकल कोनिक की क्वेश्चन थी इस सेल्फ ऑर्थोगोनल इज इक्वल्स टू वन इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, ये हमारा सेल्फ ऑर्थोगोनल हो गया क्योंकि इसकी ओटी निकालने पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो भी वही आ रही है जो प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो सेल्फ ऑर्थोगोनल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आया होगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओटी के आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।